हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम सी ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स। मैं भाई मेट फॉर दूसरा लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तो अपने को समझ में आ चुका था। अब क्वेश्चन के जो बेसिक्स है ना उस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा, तो लिटरली क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। देखो क्वेश्चन के बेसिक्स क्या बोल रहे थे कि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है एक तो, और एक पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर क्या होता है कि पहले आता है लेफ्ट रूट, ठीक है, उसके बाद में आता है राइट, उसके बाद में आएगा रूट नोड। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? बोला नहीं। सिमिलरली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि पहले लेफ्ट नोड आएगी, उसके बाद में रूट नोड आएगी, एंड देन राइट नोड आएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट था ही नहीं। तो अब इसमें करना है क्या आपको, बेसिकली ये जो राइट नोड है और जो रूट नोड है, ठीक है, ये जो राइट नोड और जो रूट नोड है, इन दोनों की मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको एक इक्वेशन की तरह लो। इक्वेशन में क्या होगा कि जैसे सबसे पहले ये लेफ्ट वाली तो फिक्स है ही, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब अपने को ये पता है कि ये दोनों इक्वेशन जो है ना वो इसमें अलग तरीके से दी हुई है और ये वाली इक्वेशन इसमें अलग तरीके से दी हुई है। रूट नोड और राइट नोड के बारे में थोड़ा सा सोचो। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया ना तो लिटरली बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा ये आपके लिए, और अगर आपने पहले नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर ज्यादा टेंशन मत लो। बेसिक्स पे स्टिक रहना, बेसिक से ही कोशिश करना, 5-10 मिनट दो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो देखो, समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है, एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है किसी तो ट्री का, ठीक है। अच्छा, उसको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है भैया, अपने को इससे एक बाइनरी ट्री बनाना है। बोलो ओके, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा भैया, अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से भी तो बना सकते हैं ना एक ट्री। बना तो क्यों नहीं सकते? बोला भैया बिल्कुल बना सकते हो, किसी ने मना नहीं किया आपको, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, या फिर अगर अपन कह लें कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से बनाते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से बनाते हो, तो हमेशा वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो डिजाइन है, मतलब जैसे सपोजिंगली यहाँ पे जो राइट है ना, राइट के नीचे चाइल्ड नोड आ रही है, ठीक है। अगर अपन यहीं पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से बनाते ना सिर्फ और सिर्फ, तो ये भी हो सकता था कि ये जो चाइल्ड नोड है ना लेफ्ट के नीचे चल जाती है, बिल्कुल वैलिडेट होता जो अपना क्वेश्चन है, वो बिल्कुल वैलिडेट होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता था कि एक से ज्यादा उसके फॉर्म्स पॉसिबल हो सकते थे बाइनरी ट्री के। तो अपने को कभी भी अगर एक फिक्स फॉर्म वाला ही ट्री बनाना हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवर्सल से काम नहीं चलता, क्वेश्चन को अपने को दो ट्रैवर्सल देनी पड़ती है। अगर यहाँ पे इन ऑर्डर के साथ साथ में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। ध्यान रखना, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो तो भी सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री ही बनेगा, और अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो तो भी एक स्पेसिफिक ट्री ही बनेगा, ये श्योरिटी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अगर अपने को किसी को भी देना हो कोई ट्री, और इसको चाहते हो अपन कि वो एक फिक्स फॉर्मेट में ही ट्री को बनाए, तो अपने को उसको ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और उसके साथ में प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी देना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाहता था, ये अपन बड़े आराम से फंस चुके हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे अपने से ट्री बनवाना चाहता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ चुका है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो ये अपन करेंगे कैसे। बोला भैया अपन इसके ना बेसिक्स पे जाते हैं। बेसिक्स क्या बोलते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अपने को ये बोलता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले कौन से नोड आएगी? बोला लेफ्ट नोड आएगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर रूट नोड आएगी पहले, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, रूट नोड आएगी, उसके बाद में आएगी राइट नोड, कोई डाउट नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि पहले कौन सी आती है? बोला पहले इसमें लेफ्ट आएगी जो कि ऊपर आ रही थी, लेकिन उसके बाद में पहले इसमें राइट आएगी और उसके बाद में इसमें रूट आएगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? बोला नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अपने को बात क्लियर हो गई कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले लेफ्ट रूट फिर राइट आती है, और पोस्ट ऑर्डर में वैसा वैसा लेफ्ट राइट और रूट आती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब एक बात बताओ कि जो राइट नोड है, ठीक है, वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में तो कहाँ पे आ रही है? बोला लास्ट में। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में कहाँ पे आ रही है? बोला इन बिटवीन, ठीक है। सिमिलरली ये जो रूट वाला है उसमें भी ये हो रहा है। तो एक बात बताओ कि अगर अपन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का लास्ट नोड जो है वो देख ले तो वो क्या है? रूट। वो क्या है? स्ट्री के रूट। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं। इस चीज को ध्यान से समझना, यहीं पे अपना पूरा का पूरा आंसर और लॉजिक छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, थ्री यहाँ पे बना दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बना दिया, हाँ। अब एक बात बताओ, ये जो रूट है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कहाँ पे होगी? बोला भैया इन बिटवीन होगी, जहां से जो भी उसके लेफ्ट में टर्म्स होंगी वो सारी लेफ्ट नोड वाली होंगी, और जो भी उसके राइट में टर्म्स होंगी वो सारी राइट नोड वाली होंगी, कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं। तो अपन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जाके थ्री को ढूंढ लेते हैं। बोला ये मिल गया अपने को थ्री, कोई डाउट? बोला नहीं, नहीं नहीं मिल गया, ठीक है, मिल गया। तो अब इसके लेफ्ट में कौन से टर्म्स होंगी? जो कि इसके लेफ्ट में आएंगी, कोई डाउट है? बोला नहीं। और इसके राइट में कौन से टर्म्स होंगी? जो कि इसके राइट में आएंगी, हाँ भैया समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ अपने को। तो अपने को आ गया यहाँ पे कि राइट में तो आएंगे 15, 20 और 7, और लेफ्ट में आएगा 9, ठीक है। लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 9 पॉसिबल था,
एक ही टर्म थी तो आपको ऐसी बात है ये अपना एक नोड बना के बैठ गई, लेकिन अब यहाँ पे अगेन तीन नोड आ चुके हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे अगेन एक ट्री फॉर्म हो रहा होगा, बोला बिल्कुल सही बात है, सब ट्री हो रहा होगा। अब सब ट्री की नोड क्या होगी, रूट नोड क्या होगी, बोला वो कैसे पता करे भैया, आप देखो उसको दोबारा समझो। ठीक है, एक काम करो, 15, 20 और 7 है, बोला हाँ भैया क्लियर है, 15, 20 और 7 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहली टर्म कौन सी आ रही है 15, 20 और 7 में, बोला 20। कोई डाउट है, बोला नहीं। ठीक है, तो 20 आ रही है पहली टर्म, और अपन हमेशा क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से चले रिवर्स ऑर्डर में तो पहली टर्म अगर रूट आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली टर्म जो भी आ रही है वो क्या होगी, हर बार रूट होगी, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस रूट क्या हो गई, 20। बोला हाँ भैया क्लियर था, क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ। अब इसके बाद में वापस अपन इन ऑर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे 20 के लेफ्ट में कौन, इन दोनों में से कौन कौन सी वैल्यू आ रही है और राइट में कौन सी आ रही है। बोला ठीक है, तो लेफ्ट में आ रही थी 15, और राइट में आ रही थी 7। बोला बिल्कुल सही बात है, क्या यही अपना ट्री था, बोला हाँ भैया यही ट्री था एग्जैक्टली, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन आ गया समझ में, हाँ भैया क्वेश्चन भी आ गया और अप्रोच भी बिल्ड हो गई। अब तो क्या ही बचाया है, बस अब तो अपने को क्या करना है कि पोस्ट ऑर्डर में जाना है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में पहले अपने को लास्ट टर्म देखनी है कि लास्ट टर्म कौन सी, लास्ट टर्म अपने को जैसे ही पता चले अपन समझ जाएंगे कि ये अपना क्या है, रूट है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, फिर अपन क्या करेंगे, इन ऑर्डर में जाएंगे, इन ऑर्डर में जाके इस टर्म को ढूंढ लेंगे। बोला यहाँ पे मिल गई, अब इसके लेफ्ट में जो भी, इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज है वो इसके लेफ्ट में आएंगी, और जो भी इसके राइट में वैल्यूज है वो इसके राइट में आएंगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अब लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू थी तो अपन यहाँ पे सीधा 9 बना दिया, हो सकता है अगर यहाँ पे और भी वैल्यूज होती तो अपन वापस में वही पोस्ट ऑर्डर में चेक कर लेते, जैसे कि यहाँ पे राइट में है, राइट में एक से ज्यादा वैल्यूज है तो कन्फर्म सी बात है यहाँ पे सब ट्री बन रहा होगा। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अब अपन क्या करेंगे, 15, 20 और 7 में से सिंपल सिंपल सी चीज ये करेंगे कि इसमें देखेंगे कि सबसे पहली वैल्यू कौन सी आ रही है, 15 आ रही है, 20 आ रही है, 7 आ रही है, जो अपन लेफ्ट पोस्ट ऑर्डर से रिवर्स वे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। रिवर्स वे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आता है रूट। ठीक है, हाँ, तो अपने को मिला 20 आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20 आते ही अपन ने क्या बोला कि ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब अपन वापस इन ऑर्डर में जाएंगे, 20 के लेफ्ट में देखेंगे, 20 के लेफ्ट में क्या था, बोला 15। ठीक है, और 20 के राइट में क्या था, बोला 7। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस 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 बस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना एक ऑप्टिमाइजेशन अपन और देखते हैं, इसमें तो ये क्लियर हो गया ना, इसके बाद में ही अपने को आगे बढ़ना है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो एक बार थोड़े से रिवाइंड करके देखो, और फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में सॉल्व एंड वेयर कर लो। ठीक है, अब इसको पहले एक चीज अपन और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, ये बात समझना, अपन ने क्या बोला, पहले का पहले तो ये पूरा का पूरा ट्री था, सही बात है, हाँ, तो ऑफ कोर्स ही बात है, पूरे के पूरे ट्री का इन ऑर्डर है, और ये पूरे के पूरे पोस्ट ऑर्डर का, सॉरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, फिर अपन ने क्या बोला कि 3 ले लिया अपना रूट, हाँ, तो 3 के लेफ्ट में इन ऑर्डर में क्या आ रहा होगा, बोला लेफ्ट नोड, और 3 के राइट में इन ऑर्डर में क्या आ रहा होगा, बोला राइट नोड, कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं। ठीक है, इतना अपन समझ चुके थे, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ अपने को। ठीक है, और सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में क्या हो रहा होगा कि ये जो 3 था, 3 अपने को मिल चुका था, अपने को पता थी अच्छी से ही बात, तो अब इसके बाद में ये जो पूरा का पूरा ट्री बच गया, ये ऑफ कोर्स ये बात है, ये क्या है अपना, एक तो ये वाला ट्री है और एक ये वाला ट्री है, दो अलग अलग ट्री है, इस बात को ध्यान से समझो। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब अपन ने 3 को यहाँ से हटाया, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में से 3 को हटाया जो कि रूट थी, बोला ऑफ कोर्स ये बात है, उसके बाद में इसमें कौन कौन सी नोड बच गई, बोला एक तो लेफ्ट नोड बच गई और एक राइट नोड बच गई। ठीक है, अगर अब अपन इन दोनों को अलग अलग सब ट्री मान लेते हैं, हाँ कि ना, बोला हाँ, तो ये क्या है, एक अलग ट्री हो गया सब ट्री, और ये एक अलग से सब ट्री हो गया, कोई डाउट वाली बात है क्या, बोला नहीं है भैया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, बोला हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब अपन इन ऑर्डर में है, इन ऑर्डर में आपके अपन ने ये देखा कि एक बात बताओ कि मेरे को 3 के लेफ्ट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट आ रही थी, बोला 1 आ रही थी। 3 के लेफ्ट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट आ रही थी, बोला 1। तो ऑफकोर्स बात अपने को क्या पता चल गया कि लेफ्ट नोड में अपने नंबर जो अपना ट्री सब ट्री है उसमें कितने नोड प्रेजेंट है, बोला एक नोड सब ट्री है उसमें एक ही नोड प्रेजेंट है, और जो 3 के राइट वाली नोड है यानी कि जो राइट वाला सब ट्री है उसमें कितने नोड्स प्रेजेंट हुई, बोला 3, कोई डाउट नहीं होने चाहिए, हाँ भैया क्लियर था। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, पोस्ट ऑर्डर में आके अपने को ये पता चल चुका था कि अब अपना ये बचा है और इसमें दो नोड्स एग्जिस्ट करती है यानी कि दो सब ट्री एग्जिस्ट करते हैं, तो अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे फर्स्ट पे तोड़ दो। फर्स्ट पे तोड़ते ही अपने को क्या पता चला, इसको ध्यान से समझना, फर्स्ट पे तोड़ते ही अपने को क्या पता चला कि एक तो सब ट्री है जिसमें 9 है, और एक सब ट्री है जिसका पोस्ट ऑर्डर क्या बनेगा, 15, 7 और 20। कोई डाउट है क्या इसमें, बोला नहीं 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 ये कैसे पता चला, देखो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल था, बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने एक पे जैसे ही तोड़ा तो अपना एक ट्री तो सब ट्री तो ये बन गया, तो ऑफ कोर्स ये बात है इसका इन ऑर्डर भी यही है, पोस्ट ऑर्डर भी यही है और प्री ऑर्डर भी यही है, इसको तो छोड़ दो, इसकी बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर अपन ने क्या बोला, अपना ये जो बाकी की नोड्स बची है ना, हाँ, ये अपन ने बोला कि ये पोस्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है उस सब ट्री के लिए, बोला ओके, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पोस्ट ऑर्डर में अरेंज थी उस सब ट्री के लिए। ठीक है, तो अब अगर ये पोस्ट ऑर्डर में अरेंज थी उस सब ट्री के लिए, तो
तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, रूट होगी कि नहीं होगी? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, रूट होगी। ठीक है, तो अब 20 क्या हो गया, वापस रूट नोड हो गई, क्योंकि ये इसकी क्या थी, लास्ट वैल्यू क्या, क्या यही है अपना आंसर? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये इसकी रूट नोड जो है ना वो हमेशा राइट में आ रही है, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रूट नोड हमेशा कहाँ पे आती है, राइट में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है, हाँ इस कंसेप्ट को एक बार अपन दोबारा समझ लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये उसका ऑप्टिमाइजेशन था, पहले वाला कंसेप्ट अपन ने समझा, पहले वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद में ही ये आएगा। ठीक है, अपन फटाफट एक बार जल्दी जल्दी से अब एक बार पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं। अपन ने क्या बोला इनिशियली आके, कि जो पोस्ट ऑर्डर है उसकी जो लास्ट नोड होती है वो हमेशा क्या होती है, ट्री की रूट होती है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर में जो रूट है वो मिड में प्रेजेंट होती है, उससे लेफ्ट में पूरा का पूरा लेफ्ट नोड आता है और उसके राइट में पूरा का पूरा राइट नोड आता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला कि अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट थे लेफ्ट में, उसको अपन एक सब ट्री डिनोट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ क्लियर है इतना। तो अपन ने क्या बोला, बोला लेफ्ट में कितने नोड्स प्रेजेंट है, बोला एक। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक पे आके तोड़ देंगे और बोलेंगे ये अलग से एक अपना सब ट्री है जो कि लेफ्ट में अटैच हो चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला थ्री के राइट में अलग से एक सब ट्री है, थ्री के राइट में अलग से एक सब ट्री है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, तीन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, वापस इसको आगे तीन पे लाके तोड़ दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ही अपन ने इसको थ्री पे तोड़ा, तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या बन गया, बोला 15, 7 और 20। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझो, ये इसका इन ऑर्डर बन चुका है राइट वाले सब ट्री का, और ये इसका पोस्ट ऑर्डर बन चुका है। तो पहले पोस्ट ऑर्डर से अपन क्या करते हैं, हर बार ये देखते हैं लास्ट वैल्यू कौन सी है, लास्ट वैल्यू जो होती है वही क्या होती है, रूट। ठीक है, तो 13 का मतलब 3 के राइट नोड का रूट क्या हो गया, 20, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसके इन ऑर्डर में गए अपन, इन ऑर्डर में जाके अपन ने देखा कि रूट नोड ये थी। ठीक है, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, बोला 15। ठीक है, तो इसका लेफ्ट क्या हो गया, बोला 15, और इसका राइट क्या हो गया, बोला 7, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया अपना ट्री बिल्ड हो चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस अब अपन इसी को क्या करने हैं, बिल्ड करने वाले हैं। बस देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये वाला फंक्शन अपने को गिवन था, ये अपने को बिल्ड करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने आते ही सबसे पहले तो क्या चेक करा कि क्या इन ऑर्डर जो ट्रैवर्सल है उसकी साइज या फिर पोस्ट ऑर्डर की अपने को किसी की भी साइज जीरो दी हुई है क्या? अगर जीरो दी हुई होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि अपने को ट्री में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो ऑफकोर्स अपन क्या रिटर्न करा रहे होंगे, नल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो, एक नई रूट नोड बनाओ। ठीक है, तो एक ट्री नोड बनाई, नई रूट नोड बनाई, उसमें अपन ने क्या बोला, बोला पोस्ट ऑर्डर का जो भी लास्ट है ना, जो भी लास्ट वैल्यू है वो उसमें पुश कर दो। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर के लास्ट में हमेशा क्या होती है, रूट नोड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन ने आपको ऐसी बात है रूट नोड बनाई, उसमें पोस्ट ऑर्डर का लास्ट ले लिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं था। फिर अपन ने क्या बोला, अगर पोस्ट ऑर्डर की साइज अपनी 1 ही थी, अगर पोस्ट ऑर्डर की साइज अपनी 1 ही थी, तो अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो रूट है उसको रिटर्न करवा दो, क्योंकि अपना पूरा का पूरा सब ट्री बन चुका है, जो भी अपने को ट्री था, सब ट्री था या फिर मेन ट्री था, अगर सिर्फ और सिर्फ एक की वैल्यू प्रेजेंट है तो अपना ट्री बन चुका है, रिटर्न करवा दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने रूट का इंडेक्स निकाला। इस चीज को ध्यान से समझो, अपने रूट का इंडेक्स निकाला, कहाँ से निकाला, अपन ने एक फाइंड फंक्शन चलाया है, इस चीज को ध्यान समझो, फाइंड फंक्शन चलाया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये फाइंड फंक्शन में क्या फाइंड हो रहा है, अपन ने बोला कि इन ऑर्डर है, हाँ उसके स्टार्टिंग से ढूंढो, तो इन ऑर्डर के बिगनिंग से ढूंढो, कहाँ तक, इन ऑर्डर के लास्ट तक ढूंढो। तो इन ऑर्डर के बिगनिंग से इन ऑर्डर के लास्ट तक अपन ने क्या ढूंढा है, पोस्ट ऑर्डर के जो भी लास्ट में वैल्यू है, तो पोस्ट ऑर्डर के लास्ट में क्या वैल्यू है, बोला 3। तो अपन ने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, अपन ने क्या किया देखो यहाँ पे समझते हैं, सॉरी, अपन ने बोला पोस्ट ऑर्डर के लास्ट में क्या था, रूट नोड थी। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे थे, ये जो रूट नोड है ये इन ऑर्डर में कहाँ पे आ रही है, ये अपन जाके देख लेंगे। तो वही अपन ने किया है, ये जो लास्ट नोड थी रूट पोस्ट ऑर्डर में, वो अपन ने इन ऑर्डर में जाके ढूंढी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, अपने को ये मिल गई। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि इसका ये जो इंडेक्स है ना वो क्या होगा, ऑफकोर्स ये बात है, इसका मेमोरी एड्रेस है अपने पास, जैसे मेमोरी एड्रेस क्या हो सकता है, 2001। ठीक है, अब इसमें से इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी ये 2000 क्या है, ये बिगनिंग का एड्रेस है। तो अपन क्या बोलेंगे, बिगनिंग का एड्रेस माइनस कर दो, तो लास्ट में अपने पास क्या बन जाएगा, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या बचा, 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे अपन ने रूट का इंडेक्स निकाल लिया कि इन ऑर्डर में ये जो रूट है ये कहाँ पे आ रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, हाँ भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक लेफ्ट इन ऑर्डर बनाया और एक राइट इन ऑर्डर बनाया। अब ये लेफ्ट और राइट क्या है, इसमें तो कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेफ्ट इन ऑर्डर क्या होगा कि जो 3 के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज है वो लेफ्ट इन ऑर्डर में आएगी, और जो राइट में वैल्यूज है वो राइट इन ऑर्डर में आएगी, मतलब ये राइट नोड की तरफ जाएंगी और ये लेफ्ट नोड में जाएंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या किया, लेफ्ट इन ऑर्डर को बनाते वक्त जब अपन ने वैक्टर बनाया लेफ्ट इन ऑर्डर का, तो उसमें अपन ने कहा से की वैल्यूज ये है कि इन ऑर्डर के बिगिनिंग से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएगी, इन ऑर्डर के बिगिनिंग प्लस उस इंडेक्स तक, मतलब ये 1 इंडेक्स तक जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और सिमिलरली अपन ने राइट में क्या बनाया, राइट इन ऑर्डर लेते वक्त कि इन ऑर्डर के बिगनिंग से स्टार्ट नहीं होगी, इन ऑर्डर के बिगनिंग प्लस प्लस उस रूट इंडेक्स प्लस 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, कोई डाउट है, बोला नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर।
बहुत ही बढ़िया। तो अपने ये दोनों वेक्टर बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अपन ने क्या बोला, बोला पोस्ट ऑर्डर को भी अपन ऐसे ही तोड़ लेते हैं सिमिलरली। तो पोस्ट ऑर्डर को अपन कैसे तोड़ेंगे, बोला पोस्ट ऑर्डर को बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो भी इंडेक्स आया है यहाँ पे, जैसे वन इंडेक्स आया तो अपन क्या बोलेंगे, वन पे आके इसको तोड़ दो। ऑफकोर्स ये बात है, तो वन पे आके इसको तोड़ा तो ये जो नाइन है वो अपना अलग से सब ट्री बन गया, और जो नाइन की आगे वाली वैल्यूज थी अप टू थ्री वो अलग से अपनी एक सब ट्री बन चुकी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन ने इसको वापस वही बोला कि अपन ने इसका भी एक वैक्टर बना लिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें फैक्टर में अपन ने क्या बोला, बोला पोस्ट ऑर्डर के बिगनिंग से स्टार्ट करो। कहाँ तक स्टार्ट करो, उस इंडेक्स तक, ठीक है, बिगनिंग प्लस उस इंडेक्स तक, ठीक है, वही। और राइट में क्या किया, बोला अपन ने बिगनिंग नहीं, बिगनिंग प्लस उस इंडेक्स से स्टार्ट किया और कहाँ तक लेके गए, एंडिंग तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रूट के लेफ्ट में क्या आएगा, बोला रूट के लेफ्ट में अपन ने सेम फंक्शन वापस कॉल कर दिया। बोला ओके, एक बार दोबारा समझाओ, आपने क्या किया, बोला अपन ने रूट नोड बनाया थ्री, हाँ, और थ्री का लेफ्ट कॉल किया और थ्री का राइट कॉल किया, हाँ। अब लेफ्ट में अपन ने क्या दे दिया, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर अपन ने दे दिया है अपना नाइन, और पोस्ट ऑर्डर पे क्या है नाइन, तो ऑफकोर्स ये बात है इसमें नाइन की वैल्यू अटैच हो जाएगी। और अपन ने यहाँ पे क्या किया, इन ऑर्डर दे दिया इसको 15, 20 और 7, और पोस्ट ऑर्डर क्या दे दिया इसको 15, 7 और 20, हाँ। तो ऑफकोर्स ये बात है ये पूरा का पूरा सब ट्री बना के यहाँ पे अटैच कर देगा। बोला हाँ भैया क्लियर क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ भैया। तो अपन ने लेफ्ट में क्या किया, लेफ्ट में कॉल किया, लेफ्ट में कॉल करते हुए तो अपन ने यही सेम फंक्शन वापस कॉल किया, और अपन ने इस बार पास क्या किया इन ऑर्डर में, कि ये जो लेफ्ट इन ऑर्डर बनाया था वो, और उसके साथ में लेफ्ट पोस्ट ऑर्डर, और साथ ही साथ में राइट इन ऑर्डर और राइट पोस्ट ऑर्डर, और अपन ने लास्ट में रिटर्न क्या करा दी, रूट। अच्छा ठीक है भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। अच्छा भैया, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो भैया देखो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन, ऑफ एन, क्योंकि क्योंकि अपन हर बात पे क्या बना रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ऑफ एन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं पूरे पे एक बार इटरेट कर ही रहे हैं, ठीक है। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो गया है। इसका जो सोल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।